हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर भुर्जी। बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस पनीर भुर्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने पहले से ग्रेट करके रखा है। यहाँ पे 2 बड़ा प्याज लिया है मैंने यहाँ पे कटा हुआ। 1 मीडियम साइज का टमाटर मैंने कटा हुआ लिया है यहाँ पे। 1/2 शिमला मिर्च लिया है मैंने, शिमला मिर्च ऑप्शनल है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ले लें। तेल हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच। मसालों में हम लेंगे 1/3 छोटा चम्मच जीरा, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच या अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। सबसे पहले गैस ऑन करके एक कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही हम यहाँ पे तेल डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तेल को अच्छी तरह गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही जीरा का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च यूज़ करें तो प्याज के पहले डालें उसमें तेल में। और ये प्याज को मिला दिया मैंने। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो बस इसे छोड़ दें, 2-3 मिनट पकने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है, आप देख सकते हैं। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मिला दें इसे प्याज के साथ। अदरक लहसुन को हम 1 मिनट और पकाएंगे प्याज के साथ, ताकि उसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि अदरक लहसुन भी प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तब हम यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे। तो उसके पहले गैस का फ्लेम, जैसा कि मैं बताती हूँ, कम कर दें। और उसके बाद हम यहाँ पे ये हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल दें, जीरा पाउडर डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें। मिला दें सारे मसालों को प्याज के साथ। मसालों को भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। गैस का फ्लेम हाई नहीं करें, नहीं तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा पकने दें कवर करके। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे प्याज और मसालों को हमने अच्छी तरह भून लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें ये कटा हुआ टमाटर डालेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल देंगे। मिला दें टमाटर और शिमला मिर्च को प्याज के साथ। गैस का फ्लेम अभी तक लो है, तो ये टमाटर और शिमला मिर्च को मिक्स कर दिया मैंने। अब हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। 3-4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने। इसे एक बार मिक्स करें। और यहाँ पे प्याज शिमला मिर्च भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो बस अब हम यहाँ पे ये पनीर डाल देंगे। मिला दें पनीर को। आप चाहे तो पनीर को ग्रेट कर लें या फिर ऐसे हाथों से रगड़ के तोड़ लें। इसके छोटे टुकड़े बस होने चाहिए। तो मिक्स किया मैंने पनीर को। पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है। ये मिक्स किया मैंने। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, तो नमक डाल दें। मैं हमेशा नमक लास्ट में यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो पहले यूज़ करें। मिला दें नमक को। और नमक को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम पैन को कवर करके लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो गैस का फ्लेम लो कर दें और 3-4 मिनट तक पकने दें। 3-4 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे। इसे एक बार मिक्स करेंगे और ये हमारी पनीर भुर्जी जो है वो तैयार हो गई है। तो लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला लास्ट में यूज़ करने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और अच्छी सी खुशबू आती है इससे। तो ये गरम मसाला मिक्स कर दिया मैंने। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये हमारी पनीर भुर्जी तैयार हो गई है।
तो सर्व करने के पहले हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे एक सर्विंग प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे और ये हमारी पनीर भुर्जी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर दें ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। आप इस पनीर भुर्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों रेसिपी के लिए इन दोनों लिंक पर क्लिक करें।